नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ड्रोन सेक्टर के ये स्टॉक आपको आने वाले 5 साल में करोड़पति बना सकता है दोस्तों। जी हाँ, इंटरडेटेक मुंबई MBA BK सिंह के चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारा पिछला वीडियो ड्रोन से संबंधित जितने भी हैं ज़रूर देखिए। चलिए मैं आपको बता दूं, आज 31 मार्च 2022 और क्वार्टरली कंपनी के जो रिजल्ट और ईयरली फाइनेंशियल ईयर आज एंड हो रहा है। ड्रोन बनाने वाली आने वाली जो कंपनियां हैं ड्रोन बनाने की, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, एग्रीकल्चर में हो, रियल एस्टेट में हो, फायर ब्रिगेड के लिए हो, किसी तरह के आने वाली भविष्य में ज़बरदस्त भारत में इसका बहुत बड़ा स्कोप है और आने वाली इन कंपनियों के शेयर बहुत तेज़ी से उछाल करेंगे दोस्तों। 2 महीना पहले भी बताया था, आज फिर कुछ कंपनी हमारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुई है जो ड्रोन के साथ साथ डिफेंस सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में और आपको और भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करते हैं, उनकी लिस्ट हम आपको बता दें। और इसमें से फिर बताते हैं कि इसके कौन सा स्टॉक जो है ड्रोन किट सेक्टर में आने वाले भविष्य में 5 साल में बहुत ही ज़बरदस्त इसकी क्रेज और आपको पैसे का ज़बरदस्त उछाल करेगा। जो एनालिसिस हमारी सॉफ्टवेयर पे आया है उसको ज़रूर बताएंगे। सबसे पहले लिस्ट बता दें आपको, जिसमें पहला नाम आता है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। इसकी मैं बता दूं बुक वैल्यू इसकी है, आपको बुक वैल्यू है इसकी पर शेयर 493 रुपया बुक वैल्यू पर शेयर है और स्टॉक पी इसका 11.7 है। रेवेन्यू इसकी 21,296 करोड़ है और टोटल डेप्ट इसकी 6 करोड़ बस। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपया है और ROCE इसका 26.2, ROE 22.6, अर्निंग इसका 4,767 करोड़ है और प्रमोटर का होल्डिंग 75% है दोस्तों। अब आइए पारस डिफेंस सेक्टर एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बता दें। इसका बुक वैल्यू है 92.10 रुपया और इसकी फेस वैल्यू है दोस्तों 10 रुपया और EPS इसकी 5.05 रुपया। डेप्ट इक्विटी इसका 0.32 और डिविडेंड यील्ड इसका 0 है, कुछ भी नहीं। कैश इसकी 172 करोड़ और ROE 8.72 और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,588 करोड़ दोस्तों। तो ये हो गया 2 स्टॉक। तीसरा आपको मैं बता दूं सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। ये आपको सोलर इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बल्क एक्सप्लोसिव पैकेज्ड एक्सप्लोसिव एंड इंटरटेनिंग सिस्टम्स। द कंपनी हैज़ आल्सो फोकस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग अनमैनेज एयरक्राफ्ट सिस्टम UAS एंड ड्रोन्स। सोलर इंडस्ट्रीज हैज मैन्युफैक्चर्ड वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रोन, ए फ्यू ऑफ देम आर। जी दोस्तों, हेक्साकॉप्टर विथ ए सिंगल प्लेविट एंड फ्रेगमेंटेशन वारे द हेक्सा पिथ विथ 4 एक्सप्लोसिव प्ले कोड। इसकी बुक वैल्यू है 187 रुपया और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,315 करोड़ दोस्तों। रेवेन्यू इसका 3,422 करोड़ है और डेप्थ इसका है 900 करोड़ और इसकी जो फेस वैल्यू है 2 रुपया है और इसकी डेप्थ इसको 0.54 है, डिविडेंड इसका 0.26 है और कैश इसके पास 98 करोड़ रुपया है दोस्तों। आप चलिए जोमैटो आने वाले समय में ये ड्रोन से सप्लाई करेगा, इसी के लिए ये भी ड्रोन सेक्टर में आ गया है
और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मैं आपको बताऊँ, 99,465 करोड़, और इसकी रेवेन्यू जीरो कुछ भी नहीं है, डेप्ट इसका 12 करोड़ है और इसकी डेप्ट इक्विटी 0.0 है, और इसकी EPS -223,23,124 करोड़ है और इसकी अर्निंग जो है -334, तो अभी ये लेने लायक नहीं है दोस्तों। जेन टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, मैं आपको बात पहले भी बताया था, भले इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,705 करोड़ है लेकिन बुक वैल्यू इसके 25.5 रुपया है, स्टॉक पीस 679 है और इसकी रेवेन्यू 69 करोड़ रुपया है दोस्तों, डेप्ट इसका 2.23 है। रतन इंडिया इंटरप्राइजेज ये भी बढ़िया है, 7,744 करोड़ है इसकी, बुक वैल्यू इसका 0.57 है, लेकिन इसको भी देखेंगे फिर उसके बाद करेंगे दोस्तों। इंडो इन्फो एज इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये naukri.com विच ऑफर, ये ऑनलाइन की जो सिस्टम आती है दोस्तों इन्फो एज, ये बहुत बढ़िया स्टॉक है और ये ड्रोन सेक्टर में आने वाले हैं। 70,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी और बुक वैल्यू इसका 1,501 रुपया है। DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज बहुत वेरी स्ट्रॉन्ग, 15,502 करोड़ इसका है, बुक वैल्यू 314 रुपया है, PER 19.23 है और टोटल डेप्थ इसका 1,401 करोड़ है। चलिए दोस्तों, स्टार्टअप्स इन डिवॉल्व एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी आइडिया फोर्ज और इसके आने वाले समय में जो और स्टॉक हैं उसकी भी हम जरूर गणना करेंगे। तो ये पांचों स्टॉक जो है ड्रोन सेक्टर के आप जरूर देखिएगा, आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देगा दोस्तों। दूसरी तरफ ये जितने भी स्टॉक देख रहे हैं इसमें टेक महिंद्रा, टाटा मोटर और एक्साइड बैटरीज, टाटा पावर और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और भारत फोर्ज, भारत डायनेमिक, ये जितने स्टॉक का हमने नाम लिया आने वाला 9 महीना में करोड़पति नहीं अरबपति भी बना सकता है। अब रह गया कि आप किस हिसाब से, आप कितना स्टॉक लेंगे, कितने आपकी बजट है, क्या आपकी कैपेसिटी है, उस पर डिपेंड करेगा आपको करोड़पति बनना है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जितने भी स्टॉक हमने बताया 100% आने वाला बेस्ट स्टॉक ऑफ ड्रोन सेक्टर टू बाई फॉर 5 ईयर्स, एवरी अर्न आफ्टर 5 ईयर्स, सभी के लिए लंबे समय के लिए आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जरूर 100% इसमें आपको माल कमाई करके मिलेगा दोस्तों। जी हाँ, अगर पहली बार आए तो इंटर डेटेक मुंबई एम ए बीके सिंह के पिछला वीडियो देखिए, 2021 2 जनवरी का ये चैनल है, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो कल का देखिए, Nifty 50 का, Nifty बैंक का, हमारी एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ नए शेयरधारकों के लिए है। पुराने शेयरधारक ज़बरदस्ती देखते हैं तो कोई बात नहीं है, वो तो अपना वीडियो बनाने के लिए और अपनी एनालिसिस करने के लिए अपने स्तर से हमारा वीडियो देखते हैं दोस्तों। हमारा वीडियो कई 5-6 जो भारत के सबसे टॉप 10 में 5-6 लोग हैं, उसमें टीवी चैनल भी है और बड़े बड़े एनालिस्ट भी हैं, वो ज़रूर देखते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है दोस्तों। वो तो भले आप चोरी चोरी देखते हैं कोई बात नहीं है, अब जब हवा सब जगह है तो सांस कौन कौन ले रहा है ये तो ऊपर वाला जानता है। तो कहने का मेरा मतलब है दोस्तों कि ये 12,50,000 का जो हमने 7 साल पहले जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है अपने लिए बनाया था, वही सॉफ्टवेयर भारत में कुछ गिने चुने लोगों के पास है, जिसके लिए वो पैसा लेते हैं 2-2 लाख रुपया और कहते हैं आपको सालाना फीस है, सप्ताह में आपको कैश बताएंगे, आपको इतना कमवाएंगे, इंट्राडे निफ्टी बैंक निफ्टी 50 का कॉल देंगे, वीकली देंगे, एक्सपायरी दें, लेकिन जो उसमें फंसता है फिर उसमें गंवा कर निकलता है और फिर आता है कहता है कि ये तो जुए का अड्डा है। दोस्तों पैसा देकर कभी भी नहीं सीख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटरडेटेक मुंबई MBA BK सिंह के जैसे एनालिसिस करने वाले निस्वार्थ, बिना पैसे का, बिना स्वार्थ का आपको सीखना चाहते हैं तो आपको टाइम तो ज़रूर देना पड़ेगा दोस्तों।
टाइम देना पड़ेगा, आपके मोबाइल में डाटा होना चाहिए कि कम से कम आधे घंटे एक घंटा लगातार वीडियो देख सकें। और इसके लिए आपको देखिए, किसी भी आज का इन्वेस्टमेंट, आज की पढ़ाई, आज की शिक्षा, इन्वेस्टमेंट, जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना आपको उसका बेनिफिट रिटर्निंग मिलेगा। चाहे अपने बच्चों को पढ़ाइए, अगर सस्ता स्कूल में पढ़ाते हैं, सस्ते टीचर रखते हैं, दिल्ली के सरकारों की तरह, वो जिसको ABCD नहीं आता है उसको भी वो मानदेय पे 3,000-4,000 में वो रोड पर घूमने वाले लोग, और बस वो ड्रेस में प्रेस करने में और उनके कपड़े लत्ते साफ सफाई में टिप टाप रहने पहनकर स्कूल में जाने में खर्चा हो जाता है, ऐसे टीचर दिल्ली के जो स्कूलों में जो टीचर हैं वैसे टीचर मिल जाएंगे तो आपके बच्चों का कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे दिल्ली के स्कूलों के जैसे भारत की जो दिल्ली राजधानी है उसके स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है पूरी दुनिया देख रही है, और ऐसा मुख्यमंत्री तो हमने देखा ही नहीं दोस्तों। चलिए उसकी बात हटाइए, इस झूठे मकार और ये बारूपिया, इसके जैसा तो ये देश में कोई पैदा ही नहीं हुआ था, कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ दोस्तों। उससे अच्छा तो असदुद्दीन ओवैसी है, जो एक पढ़ा लिखा इंसान है और कुछ समझने की और काबिलियत रखते हैं, और वो पक्का राष्ट्रभक्त है, हम जानते हैं उनको, आप भी नहीं जानते तो जान लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।